जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग। हमारे चंद्रा क्लासेस एजुकेशनल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मेरे प्यारे मित्रों, विज्ञापन के हम लोग बहुत करीब हैं। विज्ञापन आने की प्रबल संभावना बहुत निकट भविष्य में है, तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि हम लोग बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसे मार्गदर्शक के साथ आगे बढ़ें जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करे। एक बात आपसे कहूं, ध्यान देना दोस्तों, वो ये कि अगर आपको स्वर्ग प्राप्त करना है तो स्वर्ग प्राप्त करने की शर्त होती है कि मरना स्वयं को पड़ता है, किसी और को नहीं। यानी कहने का आशय ये है कि अगर आपको सक्सेस लेनी है, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो मेहनत उसके लिए आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये जानना कि प्रत्येक वस्तु की कीमत अदा करनी पड़ती है। ये तो सक्सेस है, इसकी ज़रूर कीमत अदा करनी पड़ती है। यानी कोई भी चीज़ पानी है तो उसके लिए कीमत अदा करनी होती है। आपको जान करके हैरानी होगी कि अगर आपको मरना है तो मरने की भी कीमत अदा करनी होती है। आप सपोज दैट चले जाइए, आपने मन बना लिया है कि भैया अब इस दुनिया में हमको नहीं रहना है, और किसी दुकान पे चले जाइए और आप उसका साधन अगर आप खरीदते हैं, यानी कोई ऐसा उपक्रम या कोई ऐसी वस्तु, जैसे हालांकि मैं ये मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको पॉइजन भी खरीदना है अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने के लिए, तो उसकी भी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। और सक्सेस ये तो इतनी बड़ी चीज़ है दोस्तों, इसके लिए भी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। एक कोट से मैं इस क्लास पर आना चाहूँगा, वो ये कि लड़ो तो इतनी शिद्दत से लड़ो, अगर हार जाओ तो जीतने वाले से भी ज़्यादा चर्चा आपकी होनी चाहिए। यानी आपकी मेहनत इतनी लगन और निष्ठा के साथ हो कि यदि अगर किसी कारण से चूक रह जाए तो आप ये कह पाओ कि मैंने परिश्रम शिद्दत के साथ की थी। और ध्यान देना, सफलता उसी की झोली में आती है जो शिद्दत के साथ मेहनत करता है। आज के इस सेशन में, इसके पहले के वीडियो हमने भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने बताया था कि जो भारत का इतिहास या भारतीय इतिहास है, उसके जानने के स्रोत क्या हैं। उसमें हमने स्रोतों में तीन तरह के स्रोत बताए, एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा हमने बताया विदेशी यात्रियों का विवरण। और अब इतिहास के सिलेबस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और ये जो प्रथम टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक काल में भी हम लोग जो है जहाँ से इतिहास की शुरुआत होती है उसे आदि मानव काल या पाषाण काल कहते हैं। इस काल को आदि मानव काल या पाषाण काल क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक बात है जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि इतिहास आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप वीडियो देख रहे होंगे, तमाम ऑफलाइन में अगर आपने क्लास ली होगी तो आपने देखा होगा कि इतिहास में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंतर्गत जहाँ से इतिहास पढ़ाने वाले लोग वहाँ से थोड़ा सा अपने को हटाते हैं या उसे बहुत कम समय में इतिश्री करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको इतिहास के प्रत्येक पहलू पर आपको ध्यान देना होगा, चाहे वो सिलेबस आपको जो है, चाहे वो सिलेबस के खंड में वो टॉपिक छोटा हो, टॉपिक बड़ा हो, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सफलता और असफलता के बीच जो अंतर होता है
वो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से ज़्यादा का नहीं होता है। तो कौन सा क्वेश्चन आपकी किस्मत को बदल देगा और कौन सी जो है कौन सा क्वेश्चन आपकी किस्मत बदलते बदलते आपको रोक लेगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इतिहास के पूरे सिलेबस पे एक निगाह दें। तो आपने देखा होगा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो आदिमानव काल या पाषाण काल है वो पढ़ने में बड़ा उबाऊ है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो इसलिए उसे लोग छोड़ कर के भागते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सक्सेस लेना है तो इसको समझना होगा। और मेरी कोशिश होगी, आप देखिए इतना सरल शायद ही आपने देखा होगा, इतना इजी वे में हम इसको पढ़ाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो हम जैसा जो है जैसी बात कर रहे थे, पहली बात आप समझें कि भारतीय इतिहास के बारे में आप समझिए। भारतीय इतिहास में जहाँ से हम लोगों की शुरुआत होती है वो आदि मानव काल या पाषाण काल। इतिहास का जो प्रारंभिक काल है या मानव जीवन का शुरुआती या आदि काल, जो जहाँ से मानव के जीवन के बारे में या मानव के जीवन से संबंधित हमें कुछ साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं, मानव का वह प्रारंभिक या आदि काल ही आदि मानव काल कहलाता है। उसके आगे आप चलें, इस आदि मानव काल को हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल क्यों कहते हैं उसका भी अपना एक कारण है, क्योंकि जो प्रारंभिक मानव है, प्रारंभिक मानव अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग लेगा या टूल्स हथियार उपकरण के रूप में आप देखेंगे पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करेगा। यानी मानव जीवन का वह कालखंड जिसमें मानव अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाषाण उपकरणों का प्रयोग करेगा, ऐसे काल को पाषाण काल कहा जाएगा। पाषाण काल के बारे में इसको अभी इस क्रम में आगे चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले पाषाण काल या आदि मानव काल की बात करें तो उससे पहले हम जिस सभ्यता या जिस इतिहास की बात कर रहे हैं वह मुख्यतः मानव के इर्द गिर्द घूमेगी। तो सबसे पहले हम मानव की बात कर लें। जरूरी है, आप देखेंगे अगर आधुनिक मानव या मानव की बात करें तो जो आधुनिक मानव या मानव का जो विकास हुआ है, यह विकास के क्रम में इसका विकास प्राइमेट्स से हुआ है। प्राइमेट्स का मतलब ये कहा जाता है कि जो मानव है यानी मनुष्य, इसकी जो उत्पत्ति है वह किससे हुआ है, इसका जो विकास हुआ है वानरों से हुआ है या वनमानुष से हुआ है। वानर और वनमानुष को प्राइमेट्स के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जो ये प्राइमेट्स या वानर या वनमानुष है इसी से विकास हुआ है, किसका, मानव का। यानी कहने का मतलब यानी मानव जो है वास्तव में वानर या वनमानुष की संतान है। खैर ये साइंस भी मानता है और यहाँ ये डिस्कस का विषय साइंस के अंतर्गत है, कितना सत्य है इसको लेकर के एक बात मेरे मन में आती है कि अगर मानव का विकास बंदरों से हुआ है तो आखिर इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी आज बहुत सारे वानर मानव क्यों नहीं हुए। खैर ये चर्चा का विषय या नहीं है, साइंस वालों की बात है, हमें जो इतिहास बताता है मैं उसकी बात करूं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, मानव के जो प्राचीनतम अस्तित्व या साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं या मानव के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, सबसे पहले लगभग 30 लाख ईसा पूर्व यानी 30 लाख ईसा पूर्व के आसपास मानव के अस्तित्व के प्रमाण या उसके अवशेष हमें मिलते हैं, और ऐसे अवशेष सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हमें देखने को मिलते हैं। अगर भारत में मानव के अवशेष की बात करें, कहाँ, भारत में, तो भारत में हमें जो मानव के अवशेष मिले हैं वो कब से मिले हैं, लगभग 14 लाख
बीसी बिफोर यानी 14 लाख ईसा पूर्व पहले महाराष्ट्र का एक स्थान है बोरी। इस बोरी नामक स्थान से हमें मानव अस्थि पंजर या स्केटल के हमें अवशेष देखने को मिले हैं। दूसरी बात, आप एक चीज और समझिए, हालांकि पूरे विश्व में जो मानव हैं वो मानव पूरे विश्व में इनकी अपनी अलग अलग प्रजातियां हैं। प्रजाति इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं। आप ये देखेंगे कि अलग अलग स्पीसीज के लोगों का रूप, रंग, नाक, मत्था, आँखें इत्यादि डिफर होती हैं, डिफरेंस होती हैं। जैसे आपने व्यवहारिक रूप से देखा होगा चाइना के लोग, उनके शरीर की बनावट, वहीं आप देखेंगे नेपाल के लोग, साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे तो जो इक्वेटर यानी भूमध्य सागर से नीचे की तरफ हैं, यानी जैसे ही भूमध्य सागर से नीचे की ओर आप बढ़ेंगे वैसे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो लोग देखने में गोरे होंगे, सुंदर होंगे, लेकिन जैसे भूमध्य सागर के नज़दीक आप जाएंगे तो वहाँ के लोग काले होंगे। तो अफ्रीकन कंट्री में जैसे आप देखें कांगो, जायरे इत्यादि में, या केनिया के लोगों को आपने देखा होगा तो वो काले काले से लोग, बाल उनका एकदम गुगराला, वहीं दक्षिण अफ्रीका के लोग गोरे गोरे से हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में अलग अलग प्रजातियों के लोग पाए जाते हैं, या अलग अलग देश की सभ्यता के जो संस्थापक रहे वो अलग अलग प्रजाति के लोग रहे। इसी प्रकार अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जो प्रारंभिक मानव प्रजातियां हैं वह मुख्यतः 6 पाई जाती हैं। यानी भारत में वो कौन सी 6 प्रजातियां हैं, तो इसमें फर्स्ट निग्रेटो, दूसरा पोस्टो प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, तीसरा मंगोलायड, चौथा पश्चिमी व्रिचल या सेफल कहते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे 6 नंबर में नॉर्डिक है। यानी कहने का मतलब ये कि जो वर्तमान भारत के लोग हैं उनकी जो स्पीसीज मानव प्रजाति वो इनकी संतानें हैं, इन्हीं से उनका डेवलपमेंट या विकास हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर हमने ये बताया था इतिहास जानने के स्रोत के क्रम में, हमने ये कहा था कि इतिहास जानने के स्रोत में सबसे जो महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक स्रोत होता है जिसमें बहुत कुछ वास्तव में सत्य ही होता है, वह स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत, यानी फर्स्ट। तो पुरातात्विक स्रोत, तो भारत के इतिहास या भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें ज़रूरी था कि हम पुरातत्व पर हमारी निर्भरता हो, और पुरातत्व के माध्यम से भारत के विभिन्न स्थानों की खोज हो, खुदाई हो, उसके लिए एक जो है नियमित संगठन की आवश्यकता थी, इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी। और भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो जन्मदाता माना जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारतीय पुरातत्व के संदर्भ में काम किया, और आने वाले समय में जब आप देखेंगे लॉर्ड कर्जन आएगा तो ये जो बंगाल का जो है गवर्नर जनरल ऑफ वायरास अलग भारत में हो जाएगा। आप समझिए भारत का जो वायस राय है लॉर्ड कर्जन, इस लॉर्ड कर्जन के समय में आप देखेंगे एक विभाग के रूप में पुरातत्व विभाग की स्थापना कराई जाएगी, और इस विभाग के माध्यम से भारत के उन प्राचीन सभ्यता या संस्कृति के स्थलों की खुदाई होगी, वहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर भारत के इतिहास को लिखने का कार्य शुरू किया जाएगा। तो पाषाण काल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पाषाण काल क्यों कहा गया, जैसा कि हमने ये कहा कि प्रारंभिक मानव जब अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी निर्भरता जो है पाषाण उपकरणों पर होगी,
या पाषाण उपकरणों पर हुई तो उसे क्या कहा गया? पाषाण काल कहा गया। थोड़ा सा हम लोग इसे व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके देखते हैं तो वो ज़्यादा आपको समझ में आती है। अगर आप देखें तो जो मानव है यानी प्रारंभिक मानव, तो प्रारंभिक मानव कैसा है? बिना कपड़े का है, नंग धिड़ंग घूम रहा है, कहीं भी जा रहा है, कहीं भी आ रहा है। उस समय या उस काल के मानव के जीवन की जो जो ज़रूरत है वो दो तरह की है। एक तो सबसे बड़ी ज़रूरत, यानी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी मनुष्य की तीन प्रमुख ज़रूरतें होती हैं, तो एक तो सबसे पहली ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान जैसा आप कहते हैं, खैर उस समय रोटी कपड़ा या मकान जैसी ज़रूरत उसके पास नहीं है। उसकी उस समय की जो ज़रूरत थी, एक तो भूख और दूसरी क्या थी? प्यास। प्यास के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। और भूख मिटाने के लिए उस समय क्या चाहिए? भोजन चाहिए। लेकिन प्रारंभिक मानव जो है उसे खेती किसानी करना नहीं आता, वो खेती किसानी अभी नहीं कर रहा है, तो उसकी ज़रूरत कैसे पूरी होगी? तो कहीं ना कहीं उसकी जो निर्भरता होगी वो उसकी निर्भरता प्रकृति पर होगी। अगर थोड़ा सा आप देखें, मैं आपको अगर कहूँ कि आज आपने मैडमैन या पागल विक्षिप्त व्यक्ति को देखा होगा, तो वह व्यक्ति अपने जीवन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर उसे भूख लगती है तो आज का खाना वो चार दिन बाद खाता है, या कहीं कुछ मिल जाए उसको वो खाने लगता है, उसे ये नहीं पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसी प्रकार आप देखेंगे ये जो आदिकाल का मानव है उसकी जो भूख है, उस भूख को पूरी करने के लिए, भोजन के लिए उसकी निर्भरता प्रकृति पर। प्रकृति में क्या मिलेगा? फल फूल कंदमूल इत्यादि जो पेड़ पौधे से फल मिल जाएंगे उसको खा लेगा, या चलते कुछ चीज़ गिरा पड़ा है उससे भी, या कंदमूल इत्यादि को वो क्या करेगा? उसको खा करके अपनी ज़रूरत मिटाएगा। दूसरी चीज़ प्यास के लिए उसे ज़रूरत किसकी है? पानी की। उस समय आप समझ रहे हैं ना तो समरसिबल है, ना हैंडपम्प है, ना ही जो है हर घर जल की व्यवस्था है, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो उस काल का मानव क्या करेगा? उस काल का मानव उन जल स्रोतों पर निर्भर होगा जहाँ पानी होगा। और प्राचीन काल के जो प्रमुख जल स्रोत होंगे आप देखेंगे, वो जल स्रोत क्या होंगे? नदियाँ होंगी, और नदियों से वो पानी पीने की ज़रूरत पूरी करेंगे, इसलिए नदियों के आसपास रहेंगे। देखिए, इतिहास अगर समझना है तो उसके कारण को समझिए, बहुत व्यवहारिक जोड़कर चलेंगे आपके जीवन से, और इतिहास ऐसा लगेगा कि इतिहास पढ़ा नहीं जाता, इतिहास रटा नहीं जाता, बल्कि इतिहास एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, उसे समझा जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, उसके बचाव के लिए लोगों ने क्या किया, अगर कहीं कोई गलती रह गई तो उसको हम कैसे मेकओवर करेंगे, इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं इतिहास में। तो यानी कहने का मतलब उसके प्यास पूरी होगी पानी से, और पानी में से मिलेगा उसे नदियों से, इसलिए वो नदियों के किनारे रहेगा। आपने देखा होगा जितनी प्राचीन सभ्यता या संस्कृतियाँ डेवलप हुई हैं वह किसी ना किसी नदी के किनारे हुई है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक मानव की ज़रूरत पूरी होती थी। दूसरी चीज़, इस काल का जो व्यक्ति है, नदियों के किनारे तमाम पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होंगी, और उन पेड़ पौधे और वनस्पतियों से वो फल फूल इत्यादि प्राप्त करेगा, उन ज़रूरतों को पूरा इनसे कर लेगा जो उसकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आप समझना, जब व्यक्ति बहुत सारे सीजन्स होते हैं, मौसम होते हैं, और मौसम में आपने देखा होगा कि कभी कभी पेड़ पौधों में फल होते हैं, फूल पत्तियां होती हैं,
आपको भोजन के लिए तो मिल जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेड़ पौधों में फल नहीं हैं या तो बहुत ऊपर हैं, तो उनको अगर नहीं पाया जाएगा तो भूख शांत करने के लिए विकल्प की तलाश। आपने देखा होगा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है, और प्रत्येक समय में ऐसा होगा और यही मानव के विकास का एक क्रम भी है। तो जब फल फूल नहीं होगा तो वह पशुओं के माध्यम जीव जंतुओं का शिकार करेगा और उसके माध्यम से अपनी ज़रूरत को पूरा करेगा। ज़रा सा एक चीज़ आप समझो, हमें फोकस करना है कि आखिर पाषाण काल क्यों और पाषाण उपकरणों पर निर्भरता क्यों, इसी को अगर समझ लेंगे तो प्रारंभिक इतिहास आप समझ लेंगे। ध्यान देना, जो ये मानव है वो क्या किया कि प्रारंभ में फूल पेड़ पौधों इत्यादि के माध्यम से फल को प्राप्त करेगा, फल को खाएगा, लेकिन एक समय आएगा कि किसी भी वृक्ष के निचली डालियों या नीचे की डालियों से जो है फल खत्म हो गए हैं, तो भूख लगेगी, फल पाना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, पेड़ पर चढ़ जाएगा। और ध्यान देना, उस समय तक अभी न्यूटन बाबा नहीं आए हैं और ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स के सिद्धांत के बारे में मानव को पता है। वो क्या किया, पकड़ करके पेड़ पर चढ़ गया और धीरे धीरे जिधर फल है उधर पतली टहनियों की ओर आएगा। और ध्यान देना, न्यूटन हो या ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा यानी जब वो पतली टहनियों की ओर बढ़ेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा और नीचे गिर पड़ेंगे। नीचे गिरेंगे तो हाथ पैर टूटेंगे, तो क्या दोबारा पेड़ पर चढ़ेंगे क्या, नहीं चढ़ेंगे। तो वो प्रयास करेंगे क्या कि किसी माध्यम से या किसी चीज से फेंक करके या वार करके हम फल को प्राप्त करें। उनके आसपास साधन नहीं है तो वो क्या करेंगे, जो बड़े प्रकार के पत्थर हैं उनको उठाएंगे, और उन्हें वेट नहीं पता है तो पहले प्रयास करेंगे बड़े पत्थरों को प्रयोग में लाने का, वो नहीं हिलेंगे, फिर धीरे धीरे छोटे को, छोटा उठा लिया लेकिन वो भी बहुत छोटा नहीं है, और उसको खींच करके फेंकेंगे, दूर नहीं जाएगा। तो इनके बाद दिमाग में समझ में आएगी कि क्या करें, छोटे पत्थरों का प्रयोग करें, और धीरे धीरे ये क्या करेंगे, छोटे पत्थरों के माध्यम से ये वार करके फल को तोड़ेंगे और अपनी भूख को शांत करेंगे। जब धीरे धीरे फल समाप्त होंगे, जैसे सपोज दैट बरसात का सीजन आ गया या बहुत ज़्यादा गर्मी का सीजन है, तो इसमें क्या करेंगे, ये पशुओं का शिकार करेंगे, जीवों का शिकार करेंगे। और क्या जीव इनकी ज़रूरत है, तो क्या कोई जीव इनको इजली वे में मिलेगा क्या, नहीं, उसे मारना पड़ेगा। मारने के लिए किसी न किसी हथियार उपकरण का प्रयोग करेंगे, उसे खींच करके क्या करेंगे, वार करेंगे, और जब वो लगेगा कोई जीव मर जाएगा उसके पास जाएंगे, तो क्या ऐसे उसके ऊपरी जो उसकी खाल है उसका जो सल्क है उसको उतारना पड़ेगा, ऐसे तो खा नहीं सकते। उसके लिए फिर क्या करेंगे, नुकीले पत्थरों की ज़रूरत पड़ेगी, या उसे काटना है तो अन्य तरह के पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब, पत्थर की ही ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्यों, क्योंकि धातुओं के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए उनके पास अगर कुछ उपलब्ध है वो क्या है, पत्थर थे, और पत्थर से ही अपनी ज़रूरत को तो विभिन्न प्रकार के ये क्या करेंगे, उपकरण बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, और पशुओं पर वार करेंगे, पौधों से फल तोड़ेंगे। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये कि जब मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पत्थर या पाषाण के उपकरणों का प्रयोग करेगा, और जब से शुरू करेगा और जब तक इसका प्रयोग करता रहेगा, उस पूरे काल को हम क्या कहेंगे, पाषाण काल कहेंगे। और भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो जो मानव के द्वारा प्रयुक्त पाषाण उपकरण मिले हैं या पाषाणों के जो हमें टाइप्स प्रकार मिले हैं पत्थर के उपकरणों के, उनका जो समय जाता है तो वो सबसे पीछे तक जहां तक हमें अवशेष मिले हैं वो 5 लाख BC या 5 लाख ईसा पूर्व।
5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 4000 ईसा पूर्व या बीसी यहाँ तक का मानव जो था वह अपने जीवन की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। यानी कहने का मतलब ये कि जो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 4 लाख ईसा पूर्व का समय है उसे भारतीय इतिहास में पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। और ये जो पाषाण काल का पूरा समयावधि है इस काल में डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि प्रगति या विकास जो है वो प्रकृति का नियम है। प्रत्येक मानव प्रजाति अपने अतीत से सबक लेते हुए आगे बढ़ती है या वो डेवलपमेंट करती है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो मानव का प्रारंभिक जीवन है, यानी कहने का मतलब लगभग 5 लाख ईसा पूर्व का समय, इस समय से जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसके द्वारा प्रयुक्त पाषाण उपकरण, जैसे कभी कभी ऐसे भी पत्थर थे जिनको वार करने पे फूट जाते थे, टूट जाते थे या वो मुलायम होते थे तो अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त करते, तो पत्थर जो है कठोर खोजेंगे, कीमती खोजेंगे। और धीरे धीरे जो मानव के जीवन और उसके आचार विचार व्यवहार है उसमें भी आप देखेंगे परिवर्तन दिखेगा। यानी कहने का मतलब ये कि पहले व्यक्ति जिस प्रकार आप देखेंगे, पहले हम दाल चावल रोटी खा लेते थे, धीरे धीरे क्रेजी हुई है तो उसको जो है उसका स्वरूप बदल जाएगा, समोसा इत्यादि खाने शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे और भी आपने देखा होगा मोमोज, नूडल्स और बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या है, एक प्रकार से क्रेजी होंगे खाने पीने में। ऐसे आप देखेंगे इस काल का भी व्यक्ति, यानी यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ तक आते आते विभिन्न प्रकार के उपकरणों के आकार प्रकार स्वरूप उनकी क्वालिटी में परिवर्तन होगा, व्यक्ति या मानव के जीवन के रहन सहन में परिवर्तन होगा। इस आधार पर आप देखेंगे पूरे पाषाण काल को पाषाण उपकरणों के प्रयोग के आधार पर, उनकी भिन्नता के आधार पर और उनके जीवन रहन सहन में अंतर के आधार पर इस पूरे कालखंड को हम डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट में या 3 भाग में। फर्स्ट को आप देखेंगे हम पूरा पाषाण काल या इसे ही हम पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। और ये जो पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल है एक लंबी कालावधि है, लंबा समय लगा। इसका जो टाइम पीरियड आप देखेंगे वो 5 लाख बीसी या 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 बीसी यानी 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। सेकेंड फेज में अगर आप बढ़ेंगे दूसरे में तो दूसरे को मध्य पाषाण काल कहते हैं। और मध्य पाषाण काल की जो समयावधि है, कालावधि है, वो 10,000 ईसा पूर्व या बीसी से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व या बीसी तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल को एक अन्य नाम दिया जाता है, इसे मीसोलिथ या माइक्रोलिथ कहा जाता है। और मीसोलिथ या माइक्रोलिथ क्यों कहा जाएगा इसकी चर्चा आगे हम करेंगे जब हम मध्य पाषाण काल को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके आगे जो विकास का क्रम है उसमें आप देखेंगे जो अंतिम और लास्ट है वो नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल को आप देखेंगे इंग्लिश में इसे नियोलिथिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज कहते हैं। ये नवपाषाण काल है। और नवपाषाण काल वो पाषाण काल का आधुनिक काल है, इसकी भी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में। यहाँ एक चीज हमको ये बताना है, जरा सा आप टाइम पीरियड को आप देखिए
यहाँ पर आप देखेंगे ये जो समयावधि है लगभग 4,90,000 साल लग गए पाषाण काल के प्रारंभिक या शुरुआती मानव को अपने जीवन आचार विचार व्यवहार रहन सहन खान पान में परिवर्तन करने में इतना समय लगा। इसके बाद ये समय के आगे बढ़े और मध्य पाषाण काल में आएंगे तो आप देखेंगे मध्य पाषाण काल ये 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। और इसकी खास बात आप ये समझिए कि मात्र 3,000 साल में ही हम जंप कर जाएंगे, हम डेवलपमेंट कर जाएंगे और यह डेवलपमेंट आगे बढ़ जाएगा, यानी हम मध्य पाषाण काल के जीवन शैली को छोड़ करके हम आगे बढ़ करके एक नई जीवन शैली अपनाएंगे, उसे हम नवपाषाण काल कहेंगे। और ये नवपाषाण काल भी आप देखेंगे ये 7,000 BC से लेकर के 4,000 BC, ये जो नवपाषाण काल है ये मात्र यहाँ पर भी हम मात्र 3,000 साल में आगे बढ़ जाएंगे। और इसके आगे का जो काल होगा वह होगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और ये ध्यान देना मध्य पाषाण काल के लिए भूमिका या जो है नींव बनाएगा पूरा पाषाण काल, और नव पाषाण काल के लिए भूमि बनेगी कहाँ से, मध्य पाषाण काल ये नींव का काम करेगा। और नव पाषाण काल के आगे का जो काल होगा सैंधव सभ्यता, उस काल के लिए भूमि या नींव का निर्माण करेगा कौन, नव पाषाण काल। थोड़ा सा मैं व्यवहारिक लाइफ से आपको जोड़ना चाहूँगा कि ये जो डेवलपमेंट है ये आपको समझ में आए। मैं आपको एक मूवी याद कराऊंगा। एक मूवी आपने देखा होगा शनि देओल की गदर एक प्रेम कथा, और गदर एक प्रेम कथा में आपने देखा होगा, मैं डेवलपमेंट ऑफ फोन के बारे में ज़रा सा बात करूं और उसे आप समझें। तो जो गदर एक प्रेम कथा उसमें आपने देखा होगा जब शनि देओल लभारी हाथ लेकर के जाएंगे पाकिस्तान में सक्कू या सकीना को लेने, तो आपने देखा होगा अमरीश पुरी के सामने एक फ़ोन है और उस फोन पे इस तरह का स्टैंड बना है और फ़ोन आएगा और यहाँ से उठा करके वो क्या करेंगे, बात करेंगे। आपने देखा फ़ोन के आविष्कार और फ़ोन के डेवलपमेंट में प्रारंभिक फ़ोन कुछ इस तरह का है, और लंबे समय तक अगर पुरानी पिक्चर्स देखें या पुराने ऐतिहासिक पिक्चर फिल्म को देखें तो उसमें देखा होगा आपने जो हमारे जैसे जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री ऐसे जब लोग फ़ोन से बात करेंगे तो कुछ इस तरह से टंगा हुआ हैंगिंग फ़ोन होता था। लेकिन इस फ़ोन का डेवलपमेंट हुआ और आने वाले समय में आपने देखा होगा पुरानी फिल्में देखी होगी अगर आप में, तो उस वो फ़ोन इस तरह का कुछ हुआ करता था। इसमें 1, 2, 3 डिजिट लिखी होती थी और इसमें क्या होते थे, इस डिजिट के माध्यम से हम क्या करते थे, जिस नंबर को मिलाना होता था उसे हम क्या करते थे, घुमा करके उस फ़ोन को लगाते थे। उसके बाद आपने देखा होगा फिर वो आ गया नंबर वाला फ़ोन जो टेबल पे रखा रहता था, हम लोग जो है रिसीवर कान को लगाते और क्या कर लेते, फ़ोन कर लेते, आपने देखा होगा। उसके बाद कुछ समय बीता और सबसे पहले जो फ़ोन आया ऊषा फ़ोन देखा होगा, तो ऊषा फ़ोन के माध्यम से क्या होता था, फ़ोन आते थे, फिर बाद में मोबाइल का डेवलपमेंट हो गया, क्वालिटी माने पहले कीपैड वाला आया, फिर 1600 मॉडल में रंगीन आया, फिर उसके बाद तो इतनी तेज़ी से विकास हुआ, क्वालिटी कीपैड आ गया, फिर क्या टच स्क्रीन आ गया, एंड्रॉइड फ़ोन आ गया। तो आपने जो फ़ोन का डेवलपमेंट होगा वो बड़ी तेज़ी से आपने आज के समय में मात्र 10 साल में फ़ोन के पूरे स्वरूप बदल गए और वो कंप्यूटर का रूप ले लिया। तो कहने का मतलब ये जो काल है ये सक्कू या सकीना वाला काल है, यानी लंबा समय लगा इसको इससे आगे बढ़ने में। और ये क्या है, वो ये वाला फ़ोन का टाइम पीरियड है, और ये जो है आज आप देखेंगे ये क्या है, टच स्क्रीन या आगे का मॉडल है। तो जो विकास की गति होती है शुरुआत में धीमे होती है और आगे चल करके तेज होती है।
उसके बाद आप देखेंगे ये जो पूरा पाषाण काल है या पूर्व पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल को भी अगर आप देखें तो इसे भी इस काल में प्रयुक्त होने वाले पाषाण उपकरणों के आधार पर इसे तीन खंड में बांट दिया जाता है। और इसे इसके फर्स्ट में या प्रारंभ में आप देखेंगे तो इसे निम्न पूरा पाषाण काल, इसका जो पहला कालखंड है वो निम्न पूरा पाषाण काल है। और निम्न पूरा पाषाण काल की जो समयावधि है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 50,000 ईसा पूर्व। और दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पूरा शब्द लिखा है मध्य पूरा पाषाण काल, ये टाइम है 50,000 यानी 50,000 से लेकर के 40,000, मात्र 10 साल। और इसे ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसे फलक संस्कृति कहते हैं। क्यों फलक संस्कृति कहते हैं? तो आपसे प्रश्न आता है कि पाषाण काल के किस काल को फलक संस्कृति कहते हैं, तो मध्य पूरा पाषाण काल या मध्य पूरा पाषाण काल का एक उपनाम है फलक संस्कृति। तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है? तो उसका कारण फलक संस्कृति कहने का मतलब है कि इस काल में आप देखेंगे विशेष प्रकार के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं, यानी इस काल में जो उपकरण मिले हैं उनमें फलक नामक उपकरणों की अधिकता है, इसलिए इस काल को एक संस्कृति यानी फलक संस्कृति कहा जाता है। उसी प्रकार जब आप आगे बढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व है, यानी 40,000 अप टू 10,000 BC। और इस काल को एक अन्य नाम ब्लेड संस्कृति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उच्च पूरा पाषाण काल में जो उपकरण हमें मिले हैं उन उपकरणों में अधिकांश उपकरण ब्लेड, यानी जो आप ब्लेड यूज करते हैं शेविंग के लिए, ब्लेड यानी दोनों तरफ से धारे बने हैं, इस तरह के उपकरण मिलेंगे, इसलिए इसे ब्लेड संस्कृति कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान यहाँ पर लाना चाहूँगा, और यहाँ पर देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, इस काल से या इस काल के जो हमें स्थल मिलेंगे वो भारत में बेसिकली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया से मिलेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में वर्तमान पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है, सिंधु और उसकी सहायक सोहन नदी घाटी का क्षेत्र, यहाँ से मिले अवशेष हैं, इसलिए इसे सोहन नदी घाटी क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा, इसे एक अन्य नाम चापर चापिंग पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति कहने का मतलब इस उपनाम है सोहन नदी घाटी का। इसकी चर्चा क्यों कहा जाता है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति या सोहन नदी घाटी संस्कृति? तो जब हम लोग अब इसके आगे एक एक खंड के बारे में विस्तृत डिस्कशन करेंगे वहाँ पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ आप समझिए कि जो दक्षिण भारत है तो दक्षिण भारत से भी अनेक स्थलों से उपकरण प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से जो प्राप्त यानी दक्षिण भारत से प्राप्त उपकरण में सबसे ज़्यादा हैंड एक्स यानी एक प्रकार से कुल्हाड़ी जैसे उपकरण मिलेंगे, इसलिए इनकी अधिकता होने के कारण इसे हस्तकुठार संस्कृति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये पाषाण काल और उनका क्रमिक विभाजन। इसके अगली वीडियो में आप देखेंगे वीडियो यानी वीडियो नंबर 2 पाषाण काल के सेकंड वीडियो में, उसमें जो है अगली वीडियो में हम इसको मेंशन कर देंगे आपकी सुविधा के लिए। तो सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रमशः पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल के अंतर्गत इन तीन काल खंडों की बात करेंगे।
इनकी विशेषता क्या है, इनसे प्राप्त अवशेष क्या हैं, इनकी जीवन शैली कैसी है, रहन सहन खान पान क्या है, और इसके बाद फिर मध्यपाषाण काल की अपनी क्या विशेषता है, जैसे पशुपालन, नवपाषाण काल कृषि, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहें तो मैं साइड में होता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अपने नोट्स पर मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस खांचे को आपने समझ लिया है तो आप एंशियंट इंडिया के पाषाण काल को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए इसके आगे की कड़ी के बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है और आप कैसा वीडियो और चाहते हैं, किन टॉपिक पर चाहते हैं, इसमें और क्या किया जाए कि जो आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायी या यूज़फुल हो, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।